हमने ये 10 फंदे डाले हैं। मैं इस थाल को उसमें इन 10 फंदों की झालर बनाऊंगी और अभी दूसरा कलर के इसमें फंदे डालूंगी। आप फंदे जिस तरह डालते हैं उस तरह डाल सकते हैं, जिस तरह आप खाते हैं। वैसे ये सबसे आसान तरीका है, कोई भी डाल सकता है। दूरी उनसे भी डाल सकते हैं। इसमें यहाँ 32 फंदे डालूंगी जिसमें मुझे खरगोश में डिज़ाइन बनाना है। ये मैंने झालर के डाले हैं अलग से, आप जी कमन करें झालर बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। मैं देख लेती हूँ कितने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33 32 33
मुझे गांठ गांठ ही बुननी है, इन्हें गांठ को इस तरह बनाना है। ये 32 फंदे हमने बुन लिए। अब ये धागा हम इधर कर देंगे और ये जो हमने रेड कलर के डाले थे अब हम इन्हें बुनेंगे। इस धागे को इसकी तरह इधर लाना है ताकि आपस में मिल जाएं। ये देखिए ये धागे से इसमें मिला लेते हैं। मैं यहाँ इसकी एक फली बनाऊंगी, ये बनाऊंगी पहली सिलाई पे मैंने की फली बनाऊंगी। यहाँ पीछे बना रहे हैं, ये हमने चालक के कुंदे लिए, अभी हम 18 कुंदे बना रहे। इधर ये व्हाइट कलर के 18 कुंदे वाले, ये दो रेड कलर के डाल दिए हमने और अब हम इसे इस तरह बना रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10 और दो ये फंदे हम खाली रखेंगे और अगर इस कलर की इधर से हम इस कढ़ाई बनाएंगे जिस कलर से जो फंदे बनेंगे उसी से बनेंगे।
ये झालर बनाने के लिए मैं इतनी जाली बना रही हूँ। अब ये लाल हमें इस तरह ही बुनने हैं। अब हम इसमें ये ग्रीन कलर जोड़ लेंगे। दो दो फंदे अपने पहले छोड़ रखे थे, दो अब छोड़ रहे हैं। और हमने रेड कलर के फंदे रेड कलर से बनाए हैं। अब की बार भी अब हमने इसमें हमने ग्रीन कलर का धागा जोड़ लिया है, इसे बनाए। दो फंदे हमने पहले छोड़े थे, दो अब छोड़ रहे हैं। अब हम ये सीधी सिलाई बना रहे हैं। ये चार फंदे हमने छोड़ दिए इस तरह ही, इस तरह जो जिस कलर से हमने इसे बनाया है उसी कलर से बनाना है। ये 14 फंदे इधर बुन लिए हमने। अब हम इसमें रेड कलर दोबारा से डाल लेंगे दूसरी पट्टी के लिए। ये हमने रेड कलर डाल दिया और अब हम इन्हें वाइट कलर से बनाएंगे। वो पीछे की सिलाई दो फंदे हमने पहले सिलाई पे रखे थे, दो इस पे रखे हैं, दो हमें दो दो छोड़ते जाना है। अब हम सीधी सिलाई बनाएंगे, जिस कलर को हमने जिस कलर से पीछे से बनाया उससे ही बनाते जाना है। इस तरह दो चार पाँच छः सात, सॉरी, ये झालर जो बना रहे हैं इसे तो हम इस तरह लेते चलेंगे। इसमें आपने ये तो पूरी है, लेकिन जो अंदर का ये भाग बना रहे हैं इसमें नहीं, यहाँ 14 फंदे ले लिए और जो ये हमने दूसरा फूल डाला था पहले डाल दिया पहली सिलाई में। अब इसे हम दोबारा से फिर जो ये रेड कलर हमने रेड कलर बना लिए अब ये ग्रीन कलर के बनाएंगे। ये हमने दो ग्रीन छोड़े थे पहले, अब ये इस तरह छोड़ दी और ये अब हमारी इस तरह ही बनाना है हमें। एक फूल पहले पड़ गया था हमारा और ये दूसरा फूल बनाना है, जिस कलर से बना रखा है हमने इसलिए इसी कलर से बना रखा बनाना है। ये मैं झाल इधर झालर बना रही हूँ। ये धागा हमें इसके धागे के नीचे लेना है ताकि इसे मिल जाए। ये हमने एक फंदा बन लिया था रेड कलर का और उसके अपने जाली डाल दी, ये जाली डाल दी हमने। ये हम इस तरह बना रहे हैं, हमने दूसरी वीडियो में खाली झालर बना के भी दिखा बता रखी है किस तरह बनते हैं, लेकिन आप इसमें देखिए हमने 10 फंदे बना लिए हैं इस तरह इधर की साइड। अब हम इसमें तीसरा फूल डाल रहे हैं, ये डाल दिया। अब वाइट कलर से ही बनाएंगे हम सारे फंदे। ये हमने वाइट कलर के बना लिए और ये दो फंदे छोड़ दिए। अब हम इधर से सीधा जो कलर इधर लिए थे वो इसी तरह हम बुनेंगे। ये देखिए ये हमारी पहली पत्ती की कली बनी, ये दूसरी और ये हम तीसरी डाल रहे हैं। अब हम इसे इधर से इधर ही बुनेंगे, इस तरह ही बुनेंगे सारे, जिस कलर से हमने पीछे से बनाया था उस कलर से बनाएंगे। ये हमने झालर का जो धागा है ये अलग है और ये इधर पर फूल डालने का धागा अलग है। ये उन्हें यहाँ से स्टार्ट की थी हमने और ये अलग हमने दो जगह ले रखी जिससे हमें मैंने इसमें तीन फूल डाल दिए, ये यहाँ चार चौथा फूल डाल रहे हैं। ये दो फंदे फिर से इस तरह हमें सब हर सिलाई पे छोड़ते जाने हैं। इसे अपने जिस कलर से बनाए उस कलर से ये झालर हमारी इस तरह आएगी। अब मैं इसे इस तरह ही कलर से बनाऊंगी।
ये हमने डाले हुए धागे इसके इस तरह हो गया। यहाँ पाँच पाँचवा फूल डालती हूँ। दोनों बजे छुट अभी आती हूँ, हो गई पूरी चली होगी हमने से ये यहाँ पूरी होगी ये पत्ती हम दूसरी सुबह कर रहे हैं।
ये हमने यहाँ दूसरी पत्ती करने की जिस तरह यहाँ बुना था उसे बुनेंगे और यहाँ से अब इस तरह ही दूसरी पत्ती शुरू करेंगे। ये पत्ती पूरी होगी। पहली दूसरी पत्ती जब बनाते हैं हम इस सिलाई को उनके कुंदे भी हम बना लेते हैं। जब आपकी बार सिलाई लाएंगे तब दो छोड़ने हैं। ये झालर है, इस तरह झालर बनानी है और ये हमारी पूरी पत्ती बन गई है। अब यहाँ पर हमने दूसरी पत्ती शुरू कर दी है और अब की जब सिलाई लाएंगे पीछे की हम इसमें फूल डालते डालेंगे। अब ये पूरा हो गया है और हम इसे उतार दें। इस तरह फंदों को उतारना है। हमने रेड कलर की झालर बनाई थी इसलिए इसे रेड कलर के धागे से उतारा है और अब चाहे इस वाइट कलर के धागे से यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारेंगे इस तरह। ये हमने इसे इस तरह उतार दिया है। अब हम आपको इसे सिल के दिखाएंगे। इस तरह हो गया है देखिए। अब हम इसे आपको सिल के दिखाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।